भारतीय कुश्ती के लिए आज सबसे सुनहरी दिन है। एक बार जोर से क्लैपिंग प्लीज। ये एक अच्छी शुरुआत है भारतीय कुश्ती की। गुरु जी, एक बहुत बड़ी बात है ये कि आप आज इस खेल को जिंदा करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए खुद आज मैदान में उतरे हैं। और ये अभी आपके सामने सुशील एकेडमी से खेल के गया था और इससे गुरु जी का एक ये बाउट होगी। और मैं लेकिन क्लैपिंग तालियों में इतना बढ़िया नहीं किया आपने, जोर से गुरु जी के लिए एक बार जोर से ताली। और ये आज भारतीय कुश्ती का एक सबसे गोल्डन दिन है। मैं जो गुरु जी ने इस तरीके से आशीर्वाद दिया और ये भारत की कुश्ती की जो एक अब शुरुआत है, इससे आप लगाओ कि अब भारत की कुश्ती जो सुशील ने जहां पहुंचाया है, तो आज गुरु जी ने उस पर और आशीर्वाद दे दिया है, तो आगे बढ़ेगी। ये अभी सतपाल पहलवान जी, आचार्य श्री, हमारे सांसद निशंक जी और इस कोच के, इस कुश्ती के जो कोच रहेंगे श्री जगवीर राणा जी, ये इस कुश्ती के कोच श्री जगवीर राणा जी, ये और यहां पर पुनः शुरू होता हुआ खेल, अपना खेल एक गरिमा में जो है वो शुरू होता हुआ देखना चाहिए। कौन यहां पर होते हैं निश्चित रूप से ये एक, अभी एक मिनट सभी शांत होकर के देखें इस कुश्ती का। इस कुश्ती के दो राउंड होंगे और ये मोहित बक्करवाला, ये 65 किलो का पहलवान है, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पतंजलि योगपीठ वर्षित। और पुनः खेल शुरू होता हुआ और स्वामी जी अलग अंदाज में चल रहे हैं, देखना चाहिए योग की शक्ति कितना पारंगत होती है। और बहुत यहां पर स्वामी जी अपने दाव को, पूरे ही अंदाज को, एक योग ऋषि, आज पहली बार ऐसा भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है। भारत की यह एक पहली बार अटके ऐसा संगम पहली बार देखने को मिल रहा है। जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली स्वामी रामदेव जी के लिए। और इस बार स्वामी जी ने बेहतरीन अंदाज में, ये होती है स्वदेशी खेल की गरिमा। और हमारे रेफरी भी बीच में मौजूद हैं और स्वामी जी पुनः तैयार। निश्चित रूप से आज यह एक इतिहास गवाह होगा। और लगातार स्वामी जी की आंख देखिए, दर्शकों में काफी ज्यादा शोर देखने को मिल रहा है और लगातार ये बहुत ही दो बार यहां पर आगे निकलते हुए स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी। टाइम टाइम बाबा, टाइम टाइम, रेस्ट, आध आध मजा दे। स्थापना दिवस, पतंजलि के स्थापना दिवस पर यह आंखों देखा हाल आपके बीच। सुनो, 30 मिनट का और योग का, अपना योग का ताकत पूरा आज देखने को मिल रहा है कि योग में क्या है। और वो आप आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सभी श्रोता को नमस्कार, स्वागत। और फिर स्वामी जी लगातार दौड़, ये शानदार, लगातार स्वामी जी की कहानी होगी, यह भारत के इतिहास में आज गवाह बनने जा रहा है कि पहली बार स्वामी जी। बहुत ही अच्छा हो गया, हो गया। बिल्कुल
सबसे पहले स्वामी जी को चरणों में प्रणाम करता हूं और एक बार आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, अब तक आपने इतनी कुश्तियां देखी हैं, इस कुश्ती में मजा आया कि नहीं आया, एक बार जरूर बताओ। देखो मैं भी पूरे देश में घूमता हूं, पूरे वर्ल्ड में घूमता हूं, मगर जिस स्वामी जी जिस ओहदे पे है और उन्होंने एक बार कहने पे ही आप लोगों के मैदान में उतर के कुश्ती लड़ी है, तो मैं मानता हूं कि स्वामी जी आपके आशीर्वाद से हमारी जो कुश्ती है वो इतनी ऊपर जाएगी जैसे जैसे आप देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कमाल, आपने ऐसे ऐसे दाव मारे हैं मेरे ख्याल से बहुत पहले लोगों नहीं आते, तो मैं पुनः मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इतने लोग हैं, एक बार जोरदार 10 सेकंड तक ताली बजाओ। देखो सभी लोग, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, अमिताभ बच्चन है, सलमान खान है, सब लोग क्रिकेट को प्रमोट करते हैं जो हमारे देश का खेल भी नहीं है, और स्वामी जी ने इतना अच्छा निर्णय किया, हर चीज में वो अपने देश की चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने एक निर्णय किया कि भाई क्यों ना हम कुश्ती को अब की बार बढ़ाएं। और मैं स्वामी जी आपको विश्वास दिलाता हूं, अब आपका आशीर्वाद कुश्ती को मिल गया है, तो मैं मानता हूं कुश्ती हमारी जो है इतनी शिखर पे होगी, आप ऐसे ही आशीर्वाद कुश्ती पे रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुश्ती और कबड्डी के दोनों के ब्रांड एम्बेसडर हो आप देश के, तो मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, एक बार जोरदार फिर तालियां। ये छोटा पहलवान आ गया। हमने 20 साल पहले कुश्ती की थी, फिर गुरुकुल में थोड़ी बहुत की थी, बिना कोच के वाले कुश्ती वाले हम, तो वो 20 साल के बाद में आज कुश्ती भाई सत्यपाल जी और सुशील जी के कहने से की कि भाई सब पहलवानों में उत्साह आए, ऐसे पहलवान बहुत बलवान हैं और बहुत निपुण हैं अपने इस कार्य में, एक बार सभी पहलवानों को और बेटे क्या नाम है मोहित को बहुत बहुत आशीर्वाद है भाई सुशील। हरियाणा के ताऊ जी आशीर्वाद देते हुए स्वामी जी महाराज को। बुजुर्गों में बड़ा उत्साह है कुश्ती के लिए और माता जी आशीर्वाद देते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज को।